इजमार आपको पढ़ाए थे ना कल परसों, तो उस इजमार पर एक बेस लगाकर दो वर्डिंग का यूज करें तो सेंटेंसेस बहुत डिफरेंट और अलग किस्म के यूज किए जा सकते हैं, शायद आप लोगों ने फॉलो भी किए हो। तो एक बार अगर आप बोर्ड पर ध्यान देंगे तो आप इजिली यू कैन इजी अडॉप्ट ऑल दैट। सी एट द बोर्ड नाउ, दैट इज द यूज ऑफ स्टिल, अभी भी, इस्तेमाल करने का बहुत आसान और इजी तरीका। देखिए, सब्जेक्ट इज एम आर वॉज वर विल बी अकॉर्डिंग द मीट ऑफ ईच टेंस ऑफ सेंटेंस, और यहां पर स्टिल वर्ब विद आईजी ऑब्जेक्ट ईटीसी अदर वर्ड्स, बहुत आसान है। सिंपली आप अभी भी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, आर यू स्टिल टीचिंग इंग्लिश, क्या तुम अभी भी एंटायर जा रही हो, आर यू स्टिल गोइंग टू एंटायर, क्या तुम्हारे पिता अभी भी तुम्हें डांट रहे हैं, इज योर फादर स्टिल स्कोल्डिंग टू यू, क्या हिंदुस्तान के राजनेता अभी भी आप सबको बेवकूफ बना रहे हैं, आर द इंडियन पॉलिटिशियन स्टिल मेकिंग अ फूल, आई थिंक सो। बहुत इजी है, और अगर आप चाहें तो इसी के साथ दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं। एक बार बोर्ड पे देखें, यूज ऑफ फॉन्ड ऑफ, शॉक या शौकीन होना, देखिए किस तरीके से यूज है। सब्जेक्ट इज एम आर वॉज वर्ब विल बी फॉन्ड ऑफ, वर्ब विद आईएनजी ऑब्जेक्ट ईटीसी अदर वर्ड्स, बहुत आसान है। एस खालिद सर इज फॉन्ड ऑफ मेकिंग फूल, इज इट, दैट्स नॉट आई थिंक। तो आर यू अ फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, आर यू फॉन्ड ऑफ जॉइनिंग इंटायर, व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ डूइंग नाउ दिस, वेयर आर यू फॉन्ड ऑफ गोइंग, व्हाई आर यू फॉन्ड ऑफ क्राइंग नाउ हियर, हे व्हाई आर यू फॉन्ड ऑफ कॉलिंग ईच अदर, इज योर फादर फॉन्ड ऑफ गिविंग टू यू द पॉकेट मनी, नो आई स्नेच द पॉकेट मनी टू माई फादर। तो बिल्कुल सिंपल है, आप यूज कर सकते हैं। क्या आप पेन चूसने के शौकीन हो, आर यू फॉन्ड ऑफ लिकिंग द पेन, क्या आप घूरने की शौकीन हो, आर यू फॉन्ड ऑफ स्टीयरिंग, क्या आप दांत काटने के नाखून काटने के शौकीन हो, आर यू फॉन्ड ऑफ बाइटिंग द नेल्स, और क्या आप मुस्कुराने की शौकीन हो, आर यू फॉन्ड ऑफ स्माइलिंग, क्या आपकी सहेली सॉरी आपका दोस्त, क्या आपका दोस्त आपको बेवकूफ बनाने का शौकीन है, इज योर फाउंड ऑफ इज योर फ्रेंड फाउंड ऑफ मेकिंग अ फूल टू यू, इट्स वेरी इजी। अब आप हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल भी कर सकते हैं, स्टिल और फाउंड ऑफ एक साथ, जैसे आर यू स्टिल फाउंड ऑफ टॉकिंग टू हिम, क्या आप अभी भी उनसे बात करने के शौकीन हो, आर यू स्टिल फॉन्ड ऑफ डांसिंग, क्या आप अभी भी नाचने की शौकीन हो, इज योर फादर स्टिल फॉन्ड ऑफ स्कोल्डिंग टू यू, क्या आपके पिता अभी भी आपको डांटने के शौकीन है, आई थिंक सो दैट दिस बॉय इज स्टिल फॉन्ड ऑफ टेकिंग द पॉकेट टू द पब्लिक, नो सो इट डज आर सम ऑफ दैट गुड दैट, तो सी दैट स्टिल अभी भी फॉन्ड ऑफ शौकीन होना, दोनों कॉन्टिन्यूस के वर्डिंग के साथ आप यूज कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से, कोई टफ नहीं है। आपको करना क्या है, इस रूल को उठाकर घर पर ले जाना है और उसको नोटबुक में 10 15 20 25 प्रैक्टिस के तौर पे सेंटेंस बनाइए, देन यू सी इट विल ग्रो टू बी अ मच एंड यू विल लर्न मच, और एक्सपीरियंस में लीजिए अगेन एंड अगेन, हिंदी इंग्लिश को इसी तरीके से बनाए, इस रूल को फॉलो करें, देन यूज इट विल बी फिक्स्ड योर माइंड, आई होप दैट यू गॉट इट। Is there any or not?